हाँ ये यहाँ थोड़ा सा करंट है। हाँ रस्सी पकड़ के मेजर मनीष सर जी देखो नदी का फ्लो ये तो ज्यादा है सर, ये करंट बढ़ते जा रहा है। नहीं हम लोग को रिस्क नहीं लेना चाहिए क्या? डू वी हैव टू टेक रिस्क? नहीं ये पानी तो बढ़ रहा है। हाँ जी वहां का लोग तो इवैक्यूएट कर चुका है ना। अगर आदमी नहीं है तो हम उसको जाने का दरकार नहीं। आदमी है तो कहाँ है आदमी? लड़का लोग हैं ये बढ़ जाएगा, मुश्किल है उसको निकालने। बोलो जैसे कि आप सभी को हम दोबारा लेके आए हैं अरुणाचल टीवी न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा सामने मेरा पीछे जो घर है वो पूरा डूब चुका है। इसी प्रकार से विभिन्न जगह में चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पूरा फ्लड आ चुका है, खास करके दायुन सर्कल में और खरसंग सर्कल में पूरा फ्लड घर के लोगों के घर के अंदर घुस चुके हैं। और हमारे जो एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर हैं दायुन के जो नाम साहब, वो अपने टीम के साथ अलोंग विथ असम राइफल और आर्मी जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके साथ मिलके लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, उनके साथ मिलके लोगों को बचा रहे हैं, रेशन पानी दे रहे हैं और लोगों को स्कूल्स में जाके शरणार्थी दे रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये फ्लड आने का क्या कारण है? क्या सिर्फ नेचुरल क्लाइमिटीज ही इसके कारण जिम्मेदार है, या एक बड़ा सवाल ये भी आता है, या हमारे जो लोग होते हैं माइनिंग करते हैं जैसे कि पत्थर उठाते हैं, बालू उठाते हैं, वे बड़े बड़े बोल्टेजर्स लगाते हैं, बड़े बड़े जैसे भी लगाते हैं, फोकलन लगाते हैं, जो नदी है वो अपना रूप बदला है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इसी कारण सारे जगह पर फ्लड इफेक्ट हुआ है। तो सरकार को खास करके डिपार्टमेंट को इस चीज़ को करीब से करीब देखना चाहिए। जैसे कि मैं बता देना चाहूँगा जो कि बोडुमसा सब डिवीजन नौ दिहिंग है वो भी पहले छोटा हुआ करते थे, आज नहीं गया भी इतना बड़ा हो चुका है। ये नदी दोनों तरफ में ज़मीन टूट चुके हैं। क्यों बोलने से? क्योंकि यहाँ पे माइनिंग्स करते ज़्यादा लगाते हैं, यहाँ पे लोग फोकलैंड लगाते हैं और मिल्स की वजह से यहाँ पे वे पानी का दबाव और थोड़ा बढ़ जाने से ये गांव की ओर चलते हैं। तो देख सकते हैं ये है खरसंग की नदी जो कि बहुत ख़राब से लोगों के घरों के अंदर घुस चुके हैं। आप देख सकते हैं और फ्लडेड हो चुका है खरसंग में भी।
विश्व भारती नर्सिंग कॉलेज बेंगलोर. एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2024-25. जेएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डीफार्म, बीफार्म, अमेरिकी बीपीटी की एडमिशन होंगे. जेएनएम नर्सिंग की एलिजिबिलिटी बोथ आर्ट्स अमेरिकी साइंस की होगी. Experience led by faculty senior state-of-the-art labda hands-on training period institution. Akupamaro Vidamak 9395405659 da contact over.